जाने वाले हैं दुबई देश घूमने के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम जाने वाले हैं दुबई देश घूमने के लिए। और दुबई देश जाने के लिए हमें अपना टिकट बुक करना होगा दुबई के लिए। अच्छा, तो लगाते हैं फोन दुबई का टिकट बुक करने के लिए। A few moments later. तो मेरी उनसे बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि तुम 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाओ, एक फ्लाइट आ रही है दुबई के लिए। तो बैठते हैं अपनी गाड़ी में और सीधा निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ को। तो पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और 5 मिनट में हमारी फ्लाइट आने वाली है। जल्दी से अपनी गाड़ी को पार्क पे लगाते हैं और थोड़ी देर में इंतजार करना होगा। 1 hour later. तो हमारी फ्लाइट आ चुकी है और अब बैठते हैं अपनी फ्लाइट के अंदर हम। इसके बाद हम 2 घंटे में दुबई पहुंच जाएंगे। तो मैं पहुंच चुका हूं सीधा दुबई और हमारी फ्लाइट दुबई में करने वाली है लैंड। तो हमारी फ्लाइट दुबई के एयरपोर्ट पे कर चुकी है यहाँ पे लैंड। तो मैं फ्लाइट से उतर चुका हूँ और साइड में हमारी गाड़ी भी आ गई है, ये ट्रांसपोर्ट की मदद से यहाँ पे पहुँच चुकी है। तो चलिए अपनी गाड़ी को लेते हैं और निकलते हैं घर की तरफ जहाँ मैंने घर को बुक किया था रेंट पे। A few minutes later. तो मैं पहुँच चुका हूँ उसी घर में जिसे मैंने रेंट पे लिया है। तो चलिए अब सीधा इसके अंदर चलते और देखते ये घर कैसा है। तो घर तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं अभी काफी थक चुका हूँ तो मैं अभी करूँगा आराम, उसके बाद हमें नहा धो के निकलना भी है। The next day. तो मैं उठ चुका हूँ, अब चलते हैं सीधा बाहर स्विमिंग पूल में नहाने के लिए। चलो भाई। तो चलिए अब सीधा कूदते हैं स्विमिंग पूल में। मैं कूद चुका हूँ, बहुत ज्यादा ठंडा पानी अच्छा। है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, सब दिमाग फ्रेश हो चुका है मेरा। तो मैं नहा के निकल चुका हूँ, अब सीधा जाते हैं अंदर चेंज करके आते हैं अपने कपड़ों को। तो चलिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब चलते किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने, बिकॉज मुझे काफी देर से भूख लग रही है। तो चलिए मैं खाना खा के आ चुका हूँ, अब चलते हैं सीधा अपनी पहली प्लेस पे घूमने के लिए। तो गाइस हमारी पहली प्लेस है ये हॉरर सा कब्रिस्तान। तो चलिए अपनी गाड़ी घुसड़ते हैं सीधा इसके अंदर, लेकिन ये अंदर घुसेगी नहीं तो मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए मैं गाड़ी से उतर चुका हूँ, सीधा चल रहा सामने वाले वेयर हाउस के अंदर, देख के आते हैं उसके अंदर क्या है। मुझे इतना डर भी नहीं लग रहा, भाग के चलते हैं सीधा सामने वाले वेयर हाउस के अंदर। तो मैं पहुंच चुका हूँ, मैंने निकाल लिया आरपीजी, मैं तड़ा तड़ फायर करे जा रहा हूँ, अगर भूतों का तो मरी जाएगा। हर जगह से फायर करता हूँ, हर विंडो से, यहाँ पे गेट पे भी एक फायर मार देता हूँ ताकि भूतों का तो मर जाएगा। बच गया साला। भाई मुझे तो अभी तक कोई भूत भी नजर नहीं आया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी प्लेस की तरफ को। तो हमारी सेकंड प्लेस है ये रैंप। तो चलिए हमें यहाँ पे एक ऑडी दी गई है, इससे हमें इस पूरे खतरनाक से रैंप को पार करना होगा। तो देते हैं अपनी गाड़ी फुल रेस और भगा के लेके चलते हैं इसको अपनी फटाफट से नीचे। वो मुझे सामने एक उड़ने वाला वो दिख रहा है रैंप, चलिए बस उड़ा देते हैं अपनी गाड़ी को। हमारी गाड़ी बहुत अच्छी उड़ रही है आराम से अपने। अब बस इसे सेफली लैंड कराते हैं, ये हो गई। लेकिन हमारी गाड़ी को काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका है, कोई बात नहीं। नहीं गाइस ये क्या हो गया, हमारी गाड़ी तो गोल चक्कर बन गई। भाई भाई ब्रेक लग जा, उधर नहीं इधर आ, इधर आ, बस 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 ब्रेक लग जा ब्रेक लग गया, कंट्रोल में आ गई गाड़ी, कंट्रोल में। फटाफट से इसको उधर के उधर लेके चलते हैं। ओ भाई चलिए अब इसको फटाफट से सीधा लेके चलते हैं आराम से। चलो भाई तेज तेज भगा के लेके चलते हैं ताकि जल्दी वल्दी रैंप पार हो जाए। भाई ये बीच का रैंप कहाँ गया, अगर इसमें मेरी गाड़ी घुसी तो घुस के ही रह जाएगी। गाइस यार कोई बात नहीं, हमारा रैंप भी पार होने वाला है, अब चलिए अपनी गाड़ी कूदाते। ओ भाई गॉड ये क्या हुआ, ओ नो गाइस हमारी डेथ हो चुकी है, इम्पॉसिबल है गाइस ऐसा होना। तो गजब बेइज्जती है। तो हमारी थर्ड प्लेस है फन ट्रैक, इसमें हमें एक ट्रेन दी जाती है और कुछ सिलेंडर दिए जाते हैं, हमें अपने मोबाइल से कंट्रोल करके ये ट्रेन को चलाना होगा, फिर ये सिलेंडर फूटेगा और मजा लेंगे, तभी इसका नाम है फन ट्रैक। तो मैंने ट्रेन को चला दिया। सब गाइस क्या आप लोगों ने भी देखा कितना मजा आया, कैसे धड़ाधड़ सब सिलेंडर फूटे, फिर यहाँ पे भी कुछ सिलेंडर फूटे, बहुत मजा आया। तो चलिए गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मजा है। मजा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, गुड बाय।